हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं लगा रही हूँ पेड़ जो कि मैं ख़रीद के लाई थी जब मैं लखनऊ गई थी। उस टाइम मैं ख़रीद के लाई थी, तो वही मैं पेड़ लगाने वाली हूँ। आज 3 पेड़ लाई थी जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, होता है लगता है यहाँ पे या नहीं मेरे यहाँ। तो बस वही लगा रही हूँ अभी। जस्ट माटी निकाल रही हूँ, गड्ढे बना रही हूँ छोटे छोटे जिनमें पेड़ रखने हैं मुझे अभी। तो भाई, और बेस्ट टाइम यही होता है बारिश का टाइम प्लांटेशन के लिए। तो वही 3 पेड़ लगाने वाली हूँ मैं। यहाँ पे छोटा भाई भी सेम काम कर रहा है, उसको शौक़ बहुत है तो वो लगा रहेगा साथ ही साथ। तो वो भी खोद रहा है, जस्ट बताया मैंने ही है कहाँ पे क्या लगाना है। तो वही, और मैं बनाने लगी फिर वीडियो। तो छोटी बहन और ये छोटा भाई वो खोदने में लगा हुआ है गड्ढा। और अगर ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद मैं सोचूंगी लगाने के लिए, क्योंकि बाग टाइप में लगाना है 2 खेतों में। तो बस एक्सपेरिमेंट ही है, देखते हैं किस चीज़ में सक्सेस मिलती है, कौन सा पेड़ अच्छी तरीके से चलता है। वही जस्ट एक्सपेरिमेंट है। और मैं पेड़ लाई हूँ, लीची का है, नाशपाती है और एक अमरूद का है बड़ा वाला, जो इस टाइम पे बहुत कॉस्टली बिक रहा है मार्केट में। और उसके बाद मैंने रेडी करी है खाद। खाद क्या, गोबर वाली खाद है। और मिट्टी एक होती है जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, तालाब से निकल के आती है, वो फर्टाइल बहुत होती है। तो इस वजह से वो वाली मिट्टी इसमें मिलाई है और कुछ खाद वगैरह थी वो भी मिलाई है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद पेड़ लगाने से पहले मैं थोड़ा सा नीचे भी डालूंगी गड्ढे में, उसके बाद में थोड़ी सी माटी डाल दूंगी, फिर मैं प्लांट रख दूंगी, फिर माटी डालूंगी उसके ऊपर से ही डाल दूंगी। और यहाँ पे रखे हुए हमारे पेड़ जो कि एक लीची का है और एक नाशपाती का है और एक अमरूद का है। चलो तो अब लेकर चलते हैं पेड़ों को और लगाते हैं, आगे का प्रोसेस दिखाते हैं फिर। और आप लोग भी लगाओ पेड़, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ पेड़। पहले इसकी जो प्लास्टिक है वो हटा दूँगी, और अंदर पहले गड्ढे में मैंने खाद डाली हुई वही जो गोबर वाली है और जो मिट्टी मैंने मिलाई हुई है। तो अभी मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट लगाने के बाद उसके ऊपर से फिर मिट्टी डालेंगे। और वही अच्छी तरीके से उसको फैला देना, जहाँ पे प्लांट लगाना है ना जिस गड्ढे में, उसमें डाल के अच्छी मात्रा में। ये नहीं कि थोड़ी सी डाल दिया और डालने के बाद जस्ट प्लांट रख दिया, नहीं। अच्छी तरीके, अगर उसकी ग्रोथ अच्छी चाहिए ना तो उसको लगाते टाइम उसका ध्यान ज़रूर देना चाहिए। स्पेशली ये जितने फ्रूट वाले प्लांट्स हैं इनकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और इसको रखने के बाद अब ऊपर से माटी डालेंगे पहले, उसके और फिर हम खाद डाल देंगे। तो इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे पहले। और यहाँ पे मेरी मौसी भी हैं, बड़ी वाली मौसी जिनको मैं मम्मी बोलती हूँ, तो मम्मी भी हैं और सब सारे साथ में ही लगा रहे हैं। हम लोग काफ़ी सारे थे, मम्मी थी, मौसी थी, मैं थी और मेरे छोटे भाई बहन, सब शौक में कर रहे थे। और यहाँ पे अब डाल दिए प्लांट लगाने के बाद खाद, उसके बाद डालेंगे पानी। पानी डालना बहुत ज़रूरी है प्लांटेशन के टाइम, प्लांटेशन करने के बाद। और प्लांट हमेशा, प्लांटेशन जो है ना, हमेशा शाम को ही किया जाता है, करना चाहिए, जिससे कि पौधे सूखने नहीं है, सूखने का बहुत कम चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ अगर मॉर्निंग में लगाओगे तो उसके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो पेड़ सूख जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने शाम को ही लगाए, हमेशा ही शाम को लगाए जाते हैं अभी मैं। और पेड़ लगाते टाइम 2-3 चीज़ों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। एक तो ये जो प्लास्टिक जो है इसको ज़रूर हटाओ, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ बंध के आते हैं, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे ही रख देते हैं। मौसी ने भी बोला कि ऐसे ही रख दो, बट उसमें जो प्लास्टिक था वो निकालना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर हम लगा रहे थे वहाँ पर भी देखो कि कोई प्लास्टिक तो नहीं है उसके अंदर, जो मिट्टी के अंदर रहती है। ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और पेड़ों में जो ये वाले पेड़ होते हैं ना, इन रूट्स को खा जाते हैं कीड़ा, जिसको बोलते हैं दीमक बोलते हैं, जो प्लांट को बहुत गंदी तरीके से ख़राब करता है। तो उसका भी ध्यान देना चाहिए। और पेड़ लगाना तो बहुत ही, और ये जो अभी प्लांट लगाया है ये वाला है लीची का,
और इसके बाद मैं लगाऊंगी दूसरा प्लांट, वही मम्मी भी इस पे पानी डाल रही हैं ऐसी तरीके। और अब जा रहे हैं हम लोग दूसरा प्लांट लगाने के लिए, जो कि दूसरा प्लांट जो है वो है नाशपाती का। तो वही अब हम लोग लगाएंगे नाशपाती का पेड़। ये नाशपाती का है, पहले तो इसकी भी प्लास्टिक हटा दी है हम लोगों ने, उसके बाद रख देंगे। इसमें भी खाद पहले से ही डाली हुई है, रेडी कर दिए थे सारे गड्ढे जिनमें लगाने थे, 3-4 प्लांट लगाने हैं मुझे, तो उन्हीं को पहले रेडी किया। उसके बाद ये पेड़ रख देंगे इसके अंदर, लगा देंगे। रखना बोलते हैं यूजली मेरे यहाँ, पेड़ रखना लगाना, तो वही लगाने जा रहे हैं अब। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर भी करिएगा। और हमेशा पेड़ ना ग्राफ्टिंग वाले लेने चाहिए, फ्रूट्स वाले जितने भी प्लांट लो वो ग्राफ्टिंग वाले लेने चाहिए, जिससे फ्रूटिंग जल्दी हो। और जितने भी ग्राफ्टिंग वाले पेड़ होते हैं ना, उनमें फ्रूटिंग बहुत जल्दी होती है। इनमें भी बोला है 2 ईयर्स के अंदर होने लग जाएगी, वो हम लोगों पे डिपेंड करता है किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और वही है, जितना अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, खाद पानी देते रहेंगे, उतनी इजली ग्रो करेंगे और उतनी जल्दी ही फ्रूट्स आएंगे इन पे। और ये तीसरा प्लांट है जो कि अमरूद का है, यहाँ पे अमरूद का लगाएंगे, बड़ा वाला अमरूद। इसमें तो बहुत इजली अभी लगने लग जाएंगे, इसको जस्ट प्लांट करने के बाद वही 5 मंथ लेगा इससे, क्योंकि जब ये प्लांट लाए थे तो इसमें लगा हुआ था, ये भी ग्राफ्टिंग का ही प्लांट है, तो जितने भी ग्राफ्टिंग के प्लांट्स हैं उसमें बहुत इजली लग जाते हैं। गमले में भी लगा दो तो बहुत इजली फ्रूटिंग होती है इनमें। और अगर पेड़ अच्छा रखना है, हेल्दी ग्रोथ चाहिए पेड़ की, तो पहले पहले जो फ्रूटिंग होती है ना उसको तोड़ देने चाहिए, फ्रूट्स या फ्लावर को, दोनों को तोड़ देना चाहिए, जिससे जो पेड़ है ना बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर अभी से हम इसकी एक एक फ्रूटिंग ले लेंगे तो वो उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा पेड़। कोई सा भी पेड़ हो, उसकी फर्स्ट जो फ्रूटिंग होती है ना हटा देना चाहिए, जिससे पेड़ बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने अमरूद का भी पेड़ लगा दिया है अच्छी तरीके से, और अब इस पे खाद डाल देंगे। खाद डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके बाद एक और पेड़ लगाएंगे, वो है शरीफा का पेड़। वैसे तो शरीफा का पेड़ लगा हुआ है मेरे घर पे, वो भी छोटा ही है, अभी उसमें फ्रूट वगैरह नहीं आते हैं। पहले काफ़ी सारे पेड़ थे हमारे घर पे शरीफा के, बट अभी नहीं है, अभी उसको लगाएंगे एक पेड़ को। यहाँ पे हमने तीनों पेड़ लगा दिए हैं, एक ही लाइन में लगाए हैं, एक ही रो में हैं, डिस्टेंस है 1-1 मीटर की। और ये है अमरूद का लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लगा हुआ है नाशपाती का, ये टाइम लेगा ग्रो करने में। और इसके 1 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है लीची का। लीची बहुत इजीली लगने लग जाएगी अगर हम लोग अच्छी तरीके से टेक केयर कर ले गए पेड़ की, तो बहुत जल्दी फ्रूटिंग होगी इसमें। और यहाँ पे हम लोग इसको फ्लावर्स जितने हैं हटा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम शरीफा का पेड़, एक पेड़ हमारे पास जो अभी है, तो ये वाले सारे फ्लावर्स हटाने पड़ेंगे हमको। उसके बाद हम लोग लगा देंगे शरीफा का पेड़। वही मौसी यहाँ पे साफ करने में लगी हुई है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया शरीफा। एकदम सुंदर घर मेरा। और वो लगा दिए मैंने प्लांट्स। आगू का मतलब जानते हो? आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरी वन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, और शेयर भी करिएगा, एंड बाय बाय एवरी वन, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।